बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शेख अनीस अहमद मीडिया टीम के साथ डुमेली से, और मेरे साथ आज मौजूद हैं एमपीए राजा यावर कमाल साहब, और मैं आज इनसे कुछ सवालात भी करूंगा और इनसे इनके हालात जो पार्टी में हुए हैं उस बारे में भी हम इनसे सवालात करेंगे, और जो अभी तक क़यादत इनके साथ क्या कर रही है वो भी, और जो हल्के की आवाम इनसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए है उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, सबसे पहले आपका तमाम मीडिया की टीम का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारा ये जो आज का मशावती इजलास था ये पूरा कवर किया, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर बहुत मेहरबानी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो पार्टी टिकट के हवाले से कि आपको टिकट ही मिला और दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिला, इस हवाले से आप देखें। इसीलिए हमने ये आज मीटिंग भी रखी थी कि ये जो टिकट का इन्होंने तब्दीली का फ़ैसला किया, अब एक एमपीए हो जो 4 साल फील्ड में रहा हो, जिसने एक वर्कर बनकर इलाके की खिदमत की हो, पूरे हल्का PP25 की खिदमत की हो, और फिर उसको बुलाया जाए और चेयरमैन साहब ख़ुद मुझे कहें कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप जाएँ और आप अपनी इलेक्शन कम्पेन करें, तो उसके बाद जो टिकट चेंज हुआ है ये सरासर एक नाइंसाफ़ी हुई इस हल्के के साथ, और मुझे तो इसमें एक गहरी साजिश नज़र आती है कि हल्के में बड़ा तरक्याती काम हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा, आपने ख़ुद देखा होगा, भले आप मेरी बात से इख्तलाफ़ करें लेकिन एक बात पे तो आप सारे मुत्तफ़िक होंगे कि इन 4 सालों में इंतकामी सियासत नहीं हुई, वो रवायती सियासत नहीं हुई, किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, किसी पर झूठी FIR नहीं हुई, और जिस हद तक मुमकिन हो सका जो मैं फ़ंड्स इन 3-3.5 सालों में जितने भी ले सका मैंने पूरे हल्के में मसावी तकसीम किए। तो यही तकलीफ़ थी कि मैं ये जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है इसकी डुमेली वाले तो इतना नहीं जानते, लेकिन आप अगर दीना जा के दीना शहर और दीना के मज़ाफात के इलाकों से पता करेंगे तो आपको पता लगेगा इनकी शोहरत भी अच्छी नहीं है, इनकी जो सियासी ज़िंदगी है वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के ऊपर है, और ये वही रवायती सियासत के थाना कल्चर FIR और फिर बताखोरी जो बड़े अफसोस की बात है। तो ये तो इंशाल्लाह हमारे हल्के ने इसकी नफ़ी की, आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए, हर यूनियन काउंसिल से लोग यहाँ थे। अगला प्रोग्राम हम सुहावा में कर रहे हैं, एक प्रोग्राम हम दीना में कर रहे हैं, और हमने कोशिश भी यही की कि यहाँ सुहावे वाले को ना बुलाया जाए, सुहावे में हम कोशिश करेंगे कि ना दीना ना डुमेली जाएगा, हर इलाके की वहाँ नुमाइंदगी होगी, और हम अपना भरपूर अपना मौक़िफ़ भी बयान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शंस तो अभी हैं नहीं, जब भी हुए ये हल्का इंशाल्लाह मेरे साथ खड़ा है। सर क्या समझते हैं कि अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आपके साथ जायद साहब भी थे और आप भी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्या समझते हैं कि आपने जल्दबाजी में फैसला किया? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। देखें, जब समझ आ जाए आपको कि एक सिटिंग MPA का जिनके साथ तमाम सिटिंग MPA के साथ खान साहब ने ख़ुद वादा किया था कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, आप सबके टिकट कंफर्म हैं, और फिर कोई गलती भी ना हुई हो, कोई एलिगेशन भी ना हो, पार्टी भी खुश हो, लोग भी खुश हो, तो वो टिकट चेंज होना और सिर्फ एक टिकट का क्राइटेरिया रखा गया, सिर्फ एक ही उसकी काबिलियत है कि वो चौधरी फुआद का कज़न है, तो जब उसकी मानी गई, चौधरी फुआद ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी या क्या कहा, तो उसके बाद आपको ये नज़र आ गया कि पूरा जेहलम जो है वो PTI में तभी कामयाब हो सकता है जब लदड़ के घर वालों का वो ग़ुलाम बने, तो वो ग़ुलामी तो हमने की नहीं, जायद साहब ने भी नहीं की, तो हमें समझ थी वो जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं था। हाँ, हमने हुज्जत तमाम की, हमने अपील की, लेकिन अपील का फ़ैसला हमें पता था कि वो हमारे हक में नहीं होगी। तो अभी चौधरी सकलैन साहब भी इस जमात में आ गए दोबारा, उनका कद काट भी इस इलाके में ठीक ठाक है, आप भी समझते हैं कि 3 दफ़ा MPA वो रह चुके हैं, उसके बाद चौधरी फरख अल्ताफ़ साहब भी हैं, वो भी PP25 में इलेक्शन में आए हैं आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से, क्या समझते हैं कि आपकी आवाम आपका साथ देने में कितना आपको उम्मीद है? देखें, पहले आपने चौधरी सकलैन का जिक्र किया, आपके सामने है उनका जितना धड़ा था वो सारा तो आज यहाँ बैठा हुआ था, और तकरीबन सारों ने तकरीरें भी की या तशरीफ़ भी रखते थे, उनके जज्बात भी थे, तो मैं तो नहीं समझता कि चौधरी सकलैन साहब की अब यहाँ कोई सियासी उस तरह का कद काट रह गया है। 4 साल वो बिल्कुल खामोश रहे, बैठे रहे, और जितनी पार्टियाँ उन्होंने बदली हैं और जितने उन्होंने नज़रिए बदले हैं, तो अब ये पब्लिक जो है वो उसकी बात पे तो आने को तैयार नहीं है। जहाँ तक चौधरी फरख साहब का ताल्लुक है, वो एक MNA है, उसने हल्के में काम भी कराया, डेवलपमेंट भी हुई, और मेरा ख्याल है कि अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होने, जो आजकल के सियासी हालात बने हुए हैं,
तो मुझे तो नहीं लगता कि 14 मई को सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने, तो इसलिए ये सारा कबल अज़ वक्त है। तो जब इलेक्शंस की, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि हमें फंड्स नहीं दिए गए तो हम इलेक्शन कराने से कासर हैं, तो जब इलेक्शंस की सीरियस नोट पे जब कोई होगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से या जो हमारी सुप्रीम अदालत है वो जो फैसला देती है, उसके बाद क्या हालात बनते हैं, फिर पता लगेगा कि इलेक्शंस में कौन आ रहा है, कौन लड़ रहा है और क्या होगा। तो क्या समझते हैं ये 14 मई को जो इलेक्शन का ऐलान हुआ है, ये होंगे इलेक्शन? मैं नहीं समझता कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। तो सर एक और सवाल है कि जो छब्बर शहीदा वाले गुलाम हसन शाह साहब है, ये हर दफ़ा चौधरी सकलैन साहब की हिमायत में करते हैं ऐलान, तो इस दफ़ा आपकी हिमायत का ऐलान किया उन्होंने, इस बात में कितनी सदाकत है और क्या कहते हैं कि उनका जो लोग हैं वो उनका साथ आपके साथ आएंगे? देखिए जी, गुलाम शाह साहब हमारे इलाके की एक सबसे बड़ी गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। झेलम के जितने भी सियासी घराने हैं उन तमाम, खा वो किसी भी पार्टी से हैं, उनके अंदर गुलाम शाह साहब का एक बाकायदा एहतराम मौजूद है। और ये गुलाम शाह साहब बहुत ही हमारे इलाके की जानदीदा शख्सियत हैं। मैं उनसे मिल के आया, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी ख्वाहिशात का इज़हार किया और मुझे उन्होंने ये भी कहा, सुल्तान साहब ने भी, गुलाम शाह साहब ने भी, कि इंशाल्लाह हमारी जितनी भी हमायत होगी वो आपके लिए होगी। और सकलैन साहब तो वहाँ जाते आते भी नहीं हैं, और चार सालों में उसकी बदबख्ती है कि इतनी बड़ी गद्दी के जो लोग थे और जो हमेशा उनकी खैर मांगते थे उनको उसने नाराज़ किया हुआ है। और ये कल भी मैंने एक देखा फेसबुक पे कि तस्वीर आई हुई थी कि जी कुछ लोग गए गुलाम शाह साहब के पास और उनसे दुआ के लिए कहा, और फिर तस्वीरें चढ़ा दी फेसबुक पे कि जी उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया। कतन गलत है, गुलाम शाह साहब के पास वो दरबार है, वहाँ कोई भी जा सकता है, और उन्होंने किसी किस्म की हमायत का ऐलान उनके लिए नहीं किया। और मैं पूरे आप दयानदारी से बता रहा हूँ कि गुलाम शाह साहब ने अगर हमायत का ऐलान किया है, अगर इलेक्शन होते हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो उन्होंने मेरी हमायत का ऐलान किया। सर डोमेली की और दीना की आवाम तो आपके साथ है, सुहाबा की आवाम आपसे क्यों मुतनफ़िर है? नहीं, ये आपका नुक्ता नज़र है कि सुहाबा की आवाम मुतनफ़िर है। दो दिन बाद या गालबन तीन दिन बाद हमारा सुहावे में इज्तिमा होने जा रहा है, और मैं आपको दावत दूंगा कि आप आके वहाँ देखें। अब तो एक किस्म का ऐलान हुआ हुआ है कि टिकट मेरे पास नहीं है, इलेक्शन है या नहीं है, आप वहाँ के सुहावा देख लें कि कितना बड़ा गठ होगा, और वहाँ सिर्फ तहसील सुहावा के लोग ही होंगे, और वो आप वहाँ उनकी नुमाइंदगी देख लें। हम सारों के साथ हम रबते में हैं, सिर्फ ये जो है कि हर वक्त वो चढ़ाना सोशल मीडिया पे कि जी सुहावे में ये हुआ, सुहावे में यहाँ गया, वो आपको शायद नज़र ना आता हो, अदरवाइज़ लोग आप मेरे उस जलसे में देख लीजिएगा कि सुहावे की कितनी भरपूर नुमाइंदगी होती है। सर आप इससे पहले नून में भी नहीं हैं, तो क्या अगर आपको नून की तरफ से कोई टिकट मिले तो क्या आप अपनी जमात लोगों से मुशावरत करके जमात को तब्दील करेंगे, नून में जाएंगे या आज़ाद या इलेक्शन? देखें, आज ये इसी सिलसिले में हमने सबको बुलाया हुआ था कि लोगों की राय और लोगों की ख्वाहिश क्या है, वो आपने देख लिया कि सब ने तकरीबन यही कहा कि जो आप फैसला करेंगे हम आपके फ़ैसले के साथ आपके साथ खड़े हैं। मेरी ज़ाती राय में इलेक्शन नहीं है, जब इलेक्शन होगा और ये सारा कुछ एक दफ़ा से फिर ही एक्सरसाइज होनी है कि आपने कागज़ भी जमा कराने हैं, दोबारा से टिकट तकसीम होंगे, तब की जो सूरत हाल होगी उस सूरत हाल को सामने रखते हुए जो पब्लिक का फ़ैसला होगा, जो पब्लिक मुझे हल्के PP25 की कहेगी मैं उसका पाबंद हूँ, जो वो फ़ैसला करेंगे मैं उसके मुताबिक तब इलेक्शन का फ़ैसला करूँगा कि मैंने किस हालत में इलेक्शन लड़ना है। डोमेली की आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, ख़ास करके डोमेली शहर के लोग आपसे काफ़ी नागवां हैं, देखने में आता है कि वो आपसे नालां इसलिए हैं कि आप उनको अहमियत नहीं देते? नहीं, नालां वाली बात तो आप दूसरी दफ़ा कर रहे हैं, ना तो सुहावे वाले लोग नालां हैं, अगर डोमेली वाले लोग नालां थे तो आज आपने देखा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि डोमेली शहर की कोई भी ऐसी बरादरी थी जिसकी यहाँ नुमाइंदगी नहीं थी, और बड़ी भरपूर तादाद में लोग शिरकत किए आज यहाँ। आपको शायद वही मिलता होगा जो मुझसे नालां हैं, अदरवाइज़ अक्सरीती लोग जो हैं वो मेरे साथ रबते में हैं। और डोमेली की आवाम इतनी सादा नहीं है, उसने देखा है कि पिछले 10 सालों में इस हल्के में क्या हुआ और इन 3.5-4 सालों में इस हल्के में कितने तरक्याती काम हुए, डोमेली की इज़्ज़त वक़ार में कितना इजाफ़ा हुआ, इसलिए बिल्कुल मुतमईन रहें, डोमेली की आवाम मेरे खुश है, मेरे साथ है, और आगे आपको नज़र भी आ जाएगा, और कुछ आपको आज नज़र आ भी गया होगा। सर ये आप ये बताएंगे जो फवाद साहब के साथ आपके मरासम जो है वो ख़राब क्यों हैं, या वो आपसे क्यों इस तरह की मुखालफत कर रहे हैं टिकट पे? देखें, जो फवाद साहब
एक बहुत बड़ा लीडर है पीटीआई का, और जो चार साल हलके में, तो मेरे साथ एमएनए चौधरी फरक अल्ताफ था, वो जब छोड़ गए तो उसके बाद मेरा वास्ता जो था पीटीआई में इस हलके के हवाले से वो चौधरी फुआद के ख़ानदान के साथ था। और जो फुआद के कज़न्स यहाँ बैठ के, जिसको खसूसन आज टिकट भी मिला है, ये जो सियासत कर रहे थे या करना चाह रहे थे, उसमें इलाके का, लोगों का, वर्करों का, आम और ग़रीब आदमी का बेड़ा गर्क हो रहा था। और मैंने वक्तन फ़क्तन जा के ये बावर कराने की कोशिश की कि मेरा नुकसान नहीं हो रहा, इसमें पार्टी का नुकसान हो रहा है, इसमें पीटीआई का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो इतना मजबूर था अपने कज़न के आगे कि वो उस बिल्कुल नफ़ी नहीं करा सका उन कामों की जो गलत काम हो रहे थे। और मेरा ख़्याल है कि चौधरी फुआद को भी पता है कि इस इलाके में उसके पास इस घर के अलावा बैठने की कोई जगह नहीं है, और इन्होंने जो साजिश रची उसमें फुआद को भी इस्तेमाल इन्होंने किया कि ये एमपीए फारिग होगा तो हम कोई जगह अपनी बना सकते हैं, तो इसके अलावा तो मुझे कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आता। हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, चौधरी फोक शहबाज साहब को तो इलाके में कोई नहीं जानता, चौधरी फुआद साहब और जो इनके साथ धड़े लगे हुए हैं वो आपसे नाराज़ हो गए हैं, उस बारे में बताना कि को मसलन कौन सा? सादिया खान राजा। नहीं, सादिया खान राजा, यार खुदा का वास्ता यार, आप इतने ज़िम्मेदार आदमी हैं, इतने ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सादिया खान राजा को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं, वो धड़ा है, मतलब नहीं आप धड़े की बात करें ना, ये पांच यूनियन काउंसिल हैं मेरे भाई, एक अडराना, एक डुमेली, एक जजियाल, एक कोहाली, एक नगियाल। आज आपकी आँखें बंद थी बाहर, ये आपको नज़र नहीं आया कि यूनियन काउंसिल अडराना के तमाम काउंसिलर, नाजम, नायब नाजम यहाँ मौजूद, आपके जजियाल के तमाम काउंसलर नाजम समेत यहाँ मौजूद, आपकी नगियाल की सारी अक्सरीती नुमाइंदगी यहाँ मौजूद, आपके कोहाली वाले भी आए हुए थे सारे, तो ये आप उनको धड़ा कैसे बना सकते हैं? वो तो यकीन करें कि स्वाय फेसबुक पे बोलने के या वो सेल्फी ग्रुप है, वो उनकी तो मेरे लिए कोई वो नहीं है। और मिर्ज़ा जमशेद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो एक आखिरी गाँव है हमारी यूनियन काउंसिल का, हयाल वहाँ का रहने वाला। हमने एक इलेक्शन में उस वक़्त एक फ़ैसला किया और हमने इकट्ठे होके इसको इलेक्शन लड़ा दिया, और वो जब नाजम बना तो उसके बाद ना तो उसका यहाँ कोई ताल्लुक रहा, ना उसने कोई ताल्लुक रखा। डुमेली शहर ने बहुत बड़ी हम पे एहसान किया, मुझ पे एहसान किया कि उन्होंने पहली दफ़ा फ़ैसला हमारी वजह से किया कि डुमेली शहर का कैंडिडेट छोड़कर उन्होंने बाहर वाले कैंडिडेट को भी हमारे कहने पर वोट दिए। और जूँ वो बनता गया नाजम, तो वो सियासी तौर पर आगे जाना चाहता था, उसने कोशिश की कि मेरी जगह ले, मुझे टिकट ना मिले, उसमें वो कामयाबी उसको नहीं मिली, तो वो फैसला तो पार्टी ने किया उसको टिकट ना देने का। तो वो उस चक्कर में, वो तो सिर्फ हर उस बंदे के साथ होगा जहां उसको अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, तो मैं तो नहीं समझता कि वो मेरा कोई नुकसान करके गया, उसने तो अपना नुकसान किया। सर, काम के हवाले से बात करें तो काम आपने डुमेली में और दीना में सुहावा में भी करवाए, लेकिन सुहावा की मीडिया जो है वो अक्सर ये बात कहती है जी कि राजा साहब ने हमारे हलके में कोई इस तरह के काम नहीं करवाए। देखें, कुछ मीडिया के लोग आप भी जानते हैं जिस वाले से आप बात कर रहे हैं, वो तो मेरे पे कभी भी खुश नहीं थे, ठीक। लेकिन जितना इस पार्टी में रह कर, जितना मैंने वर्क करके और जितना कोई भी मुश्किल वक़्त आया खड़े होकर देख लिया, और जिस जो ख़ानदान अब सियासी तौर पे जेल में हावी हुआ हुआ है, मैं उनको अंदर से जानता हूँ। चौधरी सकलैन के साथ लॉलीपॉप नहीं, इससे भी बड़ा कोई लफ्ज़ आप कहें तो वो वाला काम होना है, क्योंकि वो अपने ख़ानदान से बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। अभी ये लॉलीपॉप इसीलिए था कि शायद सूबाई इलेक्शन पहले होने हैं, तो जो कुछ भी उसके पास बचा कुछ रह गया सकलैन के पास वो उनको मिल जाता। लेकिन जब सूबे के और कौमी के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि पीटीआई का ये फ़ैसला नहीं होगा जो आज है। जी, ये थे हमारे साथ आज राजावर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ इनसे फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौके के मुताबिक इन्होंने पार्टी तब्दील किया है या पार्टी में रहकर इन्होंने वफा निभाई है या आवाम के साथ आवाम का फ़ैसला करती है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।